हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज कार्य पत्रिका 6 के बारे में बात करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट सोशल साइंस हिस्ट्री की है। आज की डेट क्या है बच्चों? 6/8/2021 और क्लास कौन सी है? ये 8th की है। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है या अपनी टीचर का नेम लिखना है। इस वक्त सीट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, संडे को आप सभी के लिए एक थैंक्स वीडियो आने वाली है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, कमेंट में अपना नेम लिखते हुए जो भी सजेशन आप देना चाहते हो दे सकते हो और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। उसमें क्या करा जाएगा, आपका कमेंट को शो करते हुए आपको क्या करा जाएगा, नाम लेते हुए आपको थैंक्स बोला जाएगा। तो आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। इसमें बोला गया फ्रॉम ट्रेड टू ट्रीटीज, ठीक है। चैप्टर जो है आपका, उसमें सब टॉपिक क्या है, फ्रॉम ट्रेड टू बैटल, यानी कि व्यापार से युद्ध तक की जो है यहाँ पर चर्चा आज हम लोग करेंगे इसके अंदर। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल रूल्ड हैज़ वीकेंड, होता क्या है, मुगल शासक औरंगजेब जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए मुगल साम्राज्य के, और उसमें क्या हुआ, उनकी मृत्यु जब हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगता है। रिलीजन रूलर वर सोइंग, ठीक है, जो उनके क्षेत्र के रूलर होते हैं, जो उनके आसपास के जो रूलर होते हैं, जो उनके अधिकार उनके ही जो है नीचे रूल कर रहे होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, खुद की एकता को दिखाने लगते हैं। बच्चों द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज्ड, नवाब का जो बंगाल था वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है, टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डिमांड इन एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, ठीक है। वो क्या करता है, टैक्स की डिमांड करने लगता है, किसके बदले में, ट्रेड के बदले में। जो बंगाल का नवाब होता है वो कहता है किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से बच्चों, कि आप सभी को अगर क्या करना है, हमारे बंगाल में क्या करना है, अगर ट्रेड करना है, ट्रेड राइट्स प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपको क्या देना जरूरी होगा, टैक्स देना जरूरी होगा। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रिवेंट द मॉडलिंग ऑफ कॉइन, ठीक है, एंड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, फोर्टिफिकेशन यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कि जो उसी समय जब उसने एक टैक्स की बात करी किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उनसे कहा जो आप खुद के सिक्के हमारे देश में ढाल रहे हो, खुद के सिक्के जो हमारे देश में बना रहे हो, ये बनाना आपको बंद करना पड़ेगा, और दूसरा जो हमारे किलों की जो बंदी करते हो, किला बंदी यानी किले बनवा कर रहने लग रहे हो हमारे क्षेत्र में, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और ये जो, ठीक है, बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल इंक्रीज्ड, देखो इन दोनों के बीच में क्या होती है, दुश्मनी बढ़ती जाती है, किनके बीच में, बंगाल के नवाब में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756, अली वर्दी खां कौन था, बंगाल का नवाब था, 1756 में उसकी डेथ हो जाती है, और सिराजुद्दौला जो इस अली वर्दी खां का पुत्र होता है वो नवाब बनता है, कहां पर जाके, बंगाल का, ठीक है। एंड द कंपनी फेयर्ड विद हिज स्ट्रेंथ, और कंपनी जो है उसकी ताकत से क्या है, डरती है बहुत ज़्यादा। एंड द कंपनी वॉन्ट टू पपेट नवाब इन हिज प्लेस, जो कंपनी थी वो क्या चाहती थी, अपने इशारों पर, उंगली के इशारों पर नाचने वाला नवाब चाहती थी, हु डज आंसर डांस विद एट हिज बी हैड्स, ठीक है, जो क्या है उसके ही अंडर रहकर उसकी उंगलियों पर क्या करे, नाचे। सिराजुद्दौला ऑर्डर द कंपनी नॉट स्टैंड द पॉलिटिकल अफेयर्स एंड सेड पे द टैक्स बट कंपनी डू नॉट लिसेंट, क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने कंपनी से बोला कि आप हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक मामलों में क्या है, आप दखल अंदाजी ना करें और हमें टैक्स पे करें जो आप व्यापार कर रहे हैं उसका, ठीक है, हमारे क्षेत्र में। कंपनी ने इस बात को क्या है, नहीं सुना। एज द रिज़ल्ट फैक्ट्री ऑफ कासिम बाज़ार, जो इंग्लिश फैक्ट्री थी कहाँ की, कासिम बाज़ार की, वो कैप्चर्ड कर ली गई नवाब के साथ, कौन से नवाब के द्वारा, सिराजुद्दौला के द्वारा, ठीक है। एंड कम द ऑक्यूपाइड कोलकाता फोर्ट, और जो कलकत्ता का इनका क्या था, किला था, उसको भी ये लोग क्या है, कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी क्या कर रही होती है, वो अपनी फोर्स सेंड करती है, किसके नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, एंड ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी सपोर्ट, उसको जो रॉबर्ट क्लाइव होता है उसको नेवी का भी सपोर्ट मिल जाता है। दिस वाय बैटल ऑफ प्लासी टोक प्लेस इन 1757 बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, होता क्या, 1757 में एक बैटल हो जाती है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। बच्चों इसके बाद क्या होता है, प्लासी जो नेम था, जिस जगह पे युद्ध हुआ उस जगह का नाम था प्लासी, नेम ऑफ दिस नेम ड्यू टू द फ्लावर ऑफ पल्स फाउंड हेयर, इसका जो नाम था ये क्यों प्लासी पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक फूल पाया जाता है, किसका, पल्स का फूल पाया जाता है। क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला एंड डाइड इन द फील्ड ऑफ प्लासी, क्या होता है, सिराजुद्दौला जो है वो रॉबर्ट क्लाइव से हार जाता है
और कहाँ पर रहता है, प्लासी के क्षेत्र में, और वहीं पर उसे क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। वंश वन ऑफ द मेजर रीज़न, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, हिज कमांडर मीर जाफ़र, उसका जो कमांडर था मीर जाफ़र, ठीक है, वो सबसे बड़ा रीज़न था, क्योंकि वो क्या हो जाता है, मिल जाता है जाके किसके साथ, कंपनी के साथ, ठीक है। द सराजुद्दौला वॉज किल्ड एंड मीर जाफ़र बिकम नवाब, सराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफ़र क्या बन रहा है, नवाब बन रहा है। आफ्टर द टाइम ऑफ कंपनी रिमूव मीर जाफ़र, कुछ समय बाद मीर जाफ़र को हटा दिया जाता है नवाब के पद से और मीर कासिम को लाया जाता है। मीर कासिम क्या करता है बच्चों, वो अंग्रेज़ों के कठपुतली बनकर वो राज्य नहीं करता है, ठीक है। द नवाब बट कंपनी अपसेट विद हिम, कंपनी उससे दुखी हो जाती है। इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, मीर जाफ़र अगेन बिकम द नवाब, ठीक है, मीर जाफ़र दोबारा से नवाब बनता है। आफ्टर द डेथ इन 1765, मीर जाफ़र की डेथ होती है कब, 1765 में, और मुग़ल एम्पायर गिव द बंगाल्स दीवानी, ठीक है, मुग़ल एम्पायर क्या करते हैं, बंगाल्स की दीवानी दे देते हैं किसको, कंपनी को। एंड दीवानी क्या होती है, राइट जो होता है रिक्वायर करने का, लैंड जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, उससे जो रेवेन्यू मिलता है बच्चों, उसको जो लेने का अधिकार जो है उसे ही बोला गया है दीवानी बोला गया है, ठीक है। और ये दीवानी का अधिकार किसको मिल रहा है, कंपनी को। इटसेल्फ बिकम द नवाब, जिसकी वजह से वो क्या बन गया, वहाँ के नवाब बन गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ दीवानी, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे द टर्म ऑफ दीवानी, क्या लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले लिखे द टर्म ऑफ दीवानी, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, द राइट इज द राइट, क्या लिखेंगे, इज द इज लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर वन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्प्यूट बिटवीन द व्हाट वर द डिस्प्यूट बिटवीन बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी का रीज़न क्या था, ठीक है, तो इसका भी आंसर आपकी वर्कशीट में दिया गया है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो है बच्चों आप क्या करेंगे, इसको आप लोग यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, इस जगह से लेके, ठीक है, इस जगह तक, ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर नंबर टू हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। इसके बाद देखिए आंसर नंबर थ्री, व्हाट वर द मेन रीज़न ऑफ सिराजुद्दौला डिफीट, सिराजुद्दौला डिफीट होने का क्या मेन रीज़न था, तो इसका जो मेन रीज़न था वो क्या था, मेजर रीज़न ऑफ सिराजुद्दौला डिफीट, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा आप क्या कर दोगे, यहाँ तक लिख दोगे, ठीक, यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ये आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, थ्री हो जाएगा। इसके बाद देखो आंसर नंबर फाइव क्या है, हाउ कंपनी इटसेल्फ बिकम नवाब, कंपनी नवाब कैसे बनती है, तो इसका आंसर मैं क्या करता हूँ आपको लिखकर दिखा देता हूँ। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन, ठीक है, व्हेन फर्स्ट व्हेन द कंपनी, ठीक है, फॉट विद बैटल ऑफ प्लासी, देन फॉट विद, ठीक है, फाइट विद बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, वो क्या करती है, पहले युद्ध लड़ती है किसके साथ, बैटल ऑफ प्लासी में युद्ध होता है, फिर बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध होता है, और दोनों ही को जीतने के बाद द कंपनी इस्टेब्लिश कंट्रोल अवर ओवर बंगाल, बंगाल के ऊपर उसका क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। आफ्टर डैट मुगल रूलर गिव हिम द राइट ऑफ दीवानी, मुगल रूलर क्या करते हैं, दीवानी की राइट देते हैं, बंगाल दीवानी की राइट जो होती है, और जिसके बाद कंपनी क्या होती है, नवाब बन जाती है, ठीक है, बंगाल की, ठीक है, जिसके बाद कंपनी क्या होती है, नवाब बन जाती है बच्चों बंगाल की। आइए आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो बच्चों आगे आपकी वर्कशीट क्या होती है, यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद बच्चों।